हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको आप चावल, चपाती, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत हेल्थी रेसिपी है ये। मैं लेके आई हूँ आज आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से इसकी एक रेसिपी, क्विक रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया है कढ़ाई गरम होने के लिए। कढ़ाई जैसे ही थोड़ी सी गरम हो जाए मैं इसके अंदर डाल दूंगी सरसों का तेल। आप चाहे तो इसके अंदर नॉर्मल तेल भी यूज कर सकते हैं। तो तेल को सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से गरम होने के लिए रख देते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोभी। गोभी तो मैंने इसको अच्छे से काट कर साफ करके ले लिया है पानी से धोकर। अब मैं इसको तेल में डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इन आलू को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट के ले लेते हैं। गोभी हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको एक दूसरे प्लेट में है निकाल देती हूँ। अब उसी तेल में मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कटे हुए प्याज, साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर कड़ी पत्ता। अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर को मैंने अलग से मिक्सी में लगा लिया था, सिर्फ टमाटर को ही मैंने मिक्सी में लगाया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चना मसाला डाल देती हूँ। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा मसाला। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश मटर डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बॉईल किए हुए आलू। इसको मैंने पहले से बॉईल करके ले लिया था। अब मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए गोभी भी डाल देती हूँ। अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि पहले भी गोभी फ्राई करते हुए हमने पहले से ही नमक डाल दिया था। तो आप अपने नमक जो है वो थोड़े से स्वाद के अनुसार ही डाल दें। तो चलिए अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं अच्छे से। हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल दिया है और यहाँ पर ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर खूब सारे फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देती हूँ। तो चलिए अभी बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सिंपल था ये रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप इसको चाहे तो चावल, चपाती, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। काफ़ी टेस्टी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मनीषा कुकिंग किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए खाते रहो, मस्त रहें, बाय।